जाके थोड़ा सा टाइम मिला, काम से फ्री होके मैं पीयू दोनों आज वो छुट्टी ले लिया और मेरा भी ऑलमोस्ट कुछ काम ही नहीं था सुबह से, मतलब मॉर्निंग में जो भी काम था वो ख़त्म हो गया। सो अभी थोड़ा सा धूप डाउन हुआ है, सन डाउन हुआ है, सो अभी जाएंगे थोड़ा सा नींद को बहुत दिन के बाद दोनों मिलके। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल पंक बाइसेप्स। चल रहा है इसमें मेरा नया वाला ड्राई बैग, एक्चुअली इसको ड्राई बैग कहते हैं क्योंकि ये जब पैक्ड हो जाता है ना इसके अंदर पानी भी नहीं घुस सकता और पूरा फुल जाएगा और बेस्ट है, मतलब पानी के जगह में समुंदर किनारे आप जा रहे हो तो ये वाला खरीदना सबसे बेस्ट है। मैं तो डीकैथलॉन से लिया। जब भी आप समुंदर किनारे कहीं जा रहे हो एटलीस्ट आपका सामान वाटरप्रूफ है, मतलब पानी तो अंदर नहीं जाने वाला। फिशिंग विशिंग में जा रहे हो या तो बोटिंग में जा रहे हो या तो स्विमिंग करने हम लोग की तरह जा रहे हो तभी भी ये कैरी करना भाई बेस्ट है। तो मैं अपने साथ अपना गोप्रो, खुद का गोप्रो कैरी कर रहा हूँ जो कि वहाँ पे मतलब जब स्विम करूँगा तो पानी के अंदर वीडियोज़ वगैरह कैप्चर करने के लिए आसानी होगा। एंड तो का ड्राई बैग हो गया है रेडी, ये कुछ साइड बैग की तरह ऑलमोस्ट लगता है जब पैक हो जाता है। कलर भी इसका बहुत सारा कलर आता है लेकिन मेरे को ऑरेंज कलर बहुत ही यूनिक लगा, मतलब बहुत ही मतलब एक हाईलाइटेड कलर लगा इसलिए मैं ये वाला कलर खरीदा। हम लोग तो आ तो चुके हैं ऑलमोस्ट राधानगर में लेकिन हम लोग एक्चुअली घुसे ताज के साइड से, जो कि हम लोग को घुसना था वो साइड से लेकिन वो साइड से हम लोग आए नहीं क्योंकि जंगल पूरा भर के है और अभी ये टाइम मतलब सही नहीं लगा और मेरे को एक अच्छा खासा सनसेट का वीडियो लेना था, मतलब टाइम लैप्स लेना था। तो यहाँ से सनसेट का जो टाइम लैप्स आता है वो किसी भी जगह से नहीं आएगा। तो बालों का केयर करते हुए अंदर जाएगा। बेसिकली टाइम तो चल रहा है जेली फिश का, मतलब पानी में भर के जेली फिश रहता है और यहाँ पे बीच साइड में तो पूरा भर भर के पड़ा है। अभी देखो और ऐसा देखो भर के पड़ा है सारा जेली फिश, इसका एक बार डंक लग गया ना खुजा खुजा के मर जाएंगे हम लोग। तो ये साइड में छोटा छोटा गड्ढा 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 होके जो भी दिखाई दे रहा है पूरा जेली फिश पड़ा है, पूरा जेली फिश दिखाई देता है। मैं लास्ट टाइम जब एलिफेंट बीच गया था, मतलब मेरा गेस्ट आया था तो वो टाइम में मैं एलिफेंट बीच गया था, सो वो टाइम में मैंने देखा था पूरा भर के एकदम, मतलब क्या बोलेगा, जेली फिश पूरा पानी में पूरा भर के पड़ा है भर के, और उसका डंक लग गया ना थोड़ा सा भी तो खुजा खुजा के मर जाएंगे लेकिन फिर भी ठीक नहीं होने वाला। तो हो रहा है मेरे को जाने का लेकिन डर भी लग रहा है, अगर थोड़ा सा भी जेली फिश का डंक लग गया तो बहुत खुजाएगा, लेकिन ठीक है डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी लेंगे। अपना दूसरा फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली ये वाला फ़ोन से जिससे मैं ऑलरेडी व्लॉग बनाता हूँ वो चला गया टाइम लैप्स शूट करने के लिए। दोनों यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं अभी जब तक इसका टाइम लैप्स खत्म होगा, क्योंकि अभी 5 बज रहा है और 5:30 को सनसेट होता है, सो अभी भी आधा घंटा हम लोग को वेट करना पड़ेगा पूरा एक टाइम लैप्स। पीछे जो सनसेट हो रहा है मतलब
एक अच्छा वाला व्यू मिल रहा है सनसेट का। सो मैं बोला कि अगर अच्छा व्यू मिल रहा है तो क्यों ना टाइम लैप्स बना लूँ। तो इसको जब मैं नहाने के लिए हम दोनों गए थे वो टाइम में इसको बिठा दिया था टाइम लैप्स पे। वो ऑलमोस्ट टाइम लैप्स जो हुआ है 7 मिनट का टाइम लैप्स हो चुका है। सो 7 मिनट का टाइम लैप्स के लिए ऑलमोस्ट 28 मिनट का वीडियोस चाहिए होता है। सो वो तो कैप्चर हो रहा है उसमें, चलो इनफ मेमोरीज है कैप्चर हो रहा है। और इसमें मैं अभी थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेता हूँ, जब तक इसमें चलेगा तब तक इसमें भी चलेगा। फॉर द बेस्ट कि अच्छा टाइम लैप्स निकल जाए। अगर अच्छा टाइम लैप्स निकलेगा तो ऑब्वियसली मैं वीडियो में डालने वाला हूँ एंड आप लोग भी देखने वाले हो वो वाला वीडियो को। एंड आप लोगों को तो पता ही है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों तो करना ही है। सुंदर सनसेट हो रहा है, सिर्फ देखो पूरा क्लियर एकदम आसमान पूरा का पूरा क्लियर। तो ये सनसेट अगर थोड़ा सा भी क्लाउड ना आए ना तो जो टाइम लैप्स में निकाल रहा हूँ वो टाइम लैप्स बहुत ही अच्छा निकलेगा।